सो है गाइज एंड व्हाट्स एवरीबॉडी, इट्स देवेश पैकेट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ये डाउट्स में थे, पूछ रहे थे कि उनको उनके कोर्सेज की क्लासेस लेने किस एड्रेस पे जाना है। तो आज इस वीडियो में मैं गर्ल्स और बॉयज़ सबको बताने वाला हूँ कि उनके एड्रेस कौन से रहने वाले हैं, आपको अपनी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेज लेने किस एड्रेस पे जाना होगा, कितनी टाइमिंग रहेगी वगैरह वगैरह सब कुछ बताऊँगा। अगर आप सेमेस्टर सिक्स के बच्चे हो तो सेमेस्टर सिक्स वाले इसको स्किप कर सकते हैं, वो थोड़ा वेट करिए, उनके क्लासेज के बारे में जल्दी बताएंगे उनको, ठीक है। सेमेस्टर फोर्थ के आइए करते स्टार्ट। और जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्लास लेने कब जाना है, जाना कंपलसरी है नहीं, कितने रोल नंबर तक जाना है, वो मैं एंड में क्लियर कर दूंगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं, नीचे आपको स्क्रीनशॉट पॉपअप हो रहा होगा यहाँ पे नीचे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की क्लास जो है वो 5 मार्च से, मतलब कि आज से स्टार्ट हो गई है, एसएल नॉर्थ कैंपस नियर विश्वविद्यालय। आपको विश्वविद्यालय जाना है और आप आपकी जो क्लासेज है आप विश्वविद्यालय में जाकर ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चे, खासकर बॉयज़ में, ठीक है। पहले बॉयज़ की बता रहा हूँ, तो बॉयज़ में आप जाके अपनी क्लासेज अटेंड कर सकते हो। सेकंड आता है बीए प्रोग्राम का, तो बीए प्रोग्राम के जो बॉयज़ हैं सेमेस्टर फोर्थ के, उनकी क्लासेस 7 मार्च से चालू होगी, आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, 7 मार्च से चालू होगी। और आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है एसओएल स्टडी सेंटर नियर मोतीबाग मेट्रो स्टेशन। आप वहाँ पे जाओगे, किसी से भी पूछोगे मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद 10 रुपये में कोई भी आपको छोड़ देगा, ठीक है। बी कॉम ऑनर्स के बच्चे जो है सेमेस्टर फोर्थ के, बी कॉम ऑनर्स के बच्चों की क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है 6 मार्च से, होगी कहाँ पे, नियर केशवपुरम में। आपको पता ही है जो बी कॉम की क्लासेज है वो सारी केशवपुरम में अटेंड हो रही है बॉयज़ की, ठीक है। केशवपुरम मेट्रो स्टेशन पे जाना है, उसके बाद आप किसी से भी पूछोगे जो आपका एसओएल ऑफिस है वो वहाँ तक आपको छोड़ देगा, कोई भी रिक्शे वाला 10 रुपये 5 रुपये लेके छोड़ देगा। फोर्थ कैटेगरी जिसमें आते हैं इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स, इंग्लिश ऑनर्स की सेमेस्टर फोर्थ की क्लासेज जो है 5 मार्च से, मतलब कि आज से स्टार्ट हो गई है, और नॉर्थ कैंपस में आपको जाना है। नॉर्थ कैंपस कहाँ पे है, नियर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है, मेट्रो स्टेशन जाके वहाँ से आप किसी से पूछेंगे कोई भी आपको आसानी से बता देगा। फिफ्थ जो कैटेगरी है बीकॉम प्रोग्राम की, बीकॉम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं इनकी अभी अपडेट कोई नहीं आई है कि इनकी क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, जैसी कोई अपडेट आएगी आपको मैसेज के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लासेस थी ये सारी की सारी बॉयज़ की क्लासेज है। लास्ट में अगर आप फिर भी अभी भूल गए तो आप पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इसका पिक लगा दूंगा, मतलब कि फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हो आपका कैंपस कहाँ पे दोबारा से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स की जो क्लासेज लगने वाली है वो किस जगह पर लगने वाली है। तो गर्ल्स की वैसे क्लासेस जो है 28 से चालू हो गई है बीए प्रोग्राम की, ठीक है, 28 से ही चालू हो गई थी। बाकी कोर्सेज की जो है वो कहाँ जाना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जो गर्ल्स हैं सेमेस्टर फोर्थ की, उनको जाना है 6 मार्च से, मतलब कि कल से उनकी क्लासेस जो है नॉर्थ स्टडी सेंटर में चालू होगी एसओएल के नियर मोतीबाग मेट्रो स्टेशन में, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा आपका एड्रेस, आप वहाँ पर जाके पता कर सकते हो। सेकेंड बीकॉम ऑनर्स की, जो बीकॉम ऑनर्स की गर्ल्स हैं सेमेस्टर फोर्थ की, उनकी क्लासेस 6 मार्च से चालू होगी एसओएल कैंपस में नियर केशवपुरम मेट्रो स्टेशन में। आपको जाना है मेट्रो स्टेशन तक जाके, आप किसी भी रिक्शे वाले वगैरह से पूछोगे तो वो 5-10 रुपये में आपको रिक्शे वाले भी छोड़ देंगे आराम से, ठीक है। तो आप अपनी क्लासेज अटेंड करने कल से जा सकते हो। बी कॉम ऑनर्स के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स की जो गर्ल्स हैं सेमेस्टर फोर्थ की, इंग्लिश ऑनर्स की गर्ल्स को, गर्ल्स जो हैं उनकी जो सेमेस्टर फोर्थ की क्लासेज है वो 5 मार्च, मतलब कि आज से ही स्टार्ट हो गई है, एसएल नॉर्थ कैंपस नियर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे आपको जाना है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन जाने के बाद किसी से पूछोगे विश्वविद्यालय, कोई भी आपको बता देगा आराम से, ठीक है। तो आप अपनी क्लासेज अटेंड करने जा सकते हो। बीए प्रोग्राम की बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की जो गर्ल्स हैं उनकी, तो बीए प्रोग्राम की मैं बता दूं ऑलरेडी ही इनकी क्लासेज स्टार्ट हो गई थी 28 तारीख से, ठीक है। तो इनकी क्लासेज जो है वो कहाँ पे लग रही है, वो लग रही है नॉर्थ कैंपस नियर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास, तो वहाँ पे जाकर आप अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। जो लास्ट आ जाती है बीकॉम प्रोग्राम, जो बीकॉम प्रोग्राम की सेमेस्टर फोर्थ की गर्ल्स हैं उनकी क्लासेज भी स्टार्टेड हो चुकी है, मतलब 28 नवंबर से, और वो सारी जाएंगी केशवपुरम मेट्रो स्टेशन। मैंने आपको बताया था बीकॉम के केशवपुरम और जो बीए के हैं उनको विश्वविद्यालय में जाना है, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्लासेज हैं। अब बात करते हैं आपके डाउट्स की, क्लियर करते हैं। तो देखो डाउट्स आपके आ रहे थे कि बीए प्रोग्राम की जब गर्ल्स गई थी 28 तारीख को तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ से भगा दिया था, उन्होंने कहा कि 10,000 से ऊपर के रोल नंबर वाले मत जाना। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब उनको भी बैठाया जा रहा है,
मैं तो फिर भी कहूँगा, अगर आप बीए प्रोग्राम से हो, चाहे गर्ल्स में चाहे बॉयज़ में, आप अगर वहाँ जा रहे हो तो आप ये ज़रूर देख लेना कि आपको मैसेज आया हो। अगर मैसेज आया है तो वो आराम से आपको अलाउ कर देंगे, चाहे 10,000 से ऊपर के हो, ठीक है। मगर अगर मैसेज नहीं आया तो आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैसेज के बिना वहाँ जाकर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर में रहो, घर पर बैठ के स्टडी करो, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो बॉयज़ का है, तो बॉयज़ में मैं बता दूँ, बॉयज़ में भी सेम सिस्टम है। 10,000 से नीचे के अगर कोई बच्चे वो जा सकते हैं, सिर्फ बीए प्रोग्राम के, ठीक है। बीए प्रोग्राम में अगर 10,000 से ऊपर के तो वो मत जाना। क्यों, ये रीज़न ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो 10,000 से ऊपर का सिस्टम क्यों रखा है, क्योंकि बीए के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं बीकॉम के मुकाबले या ऑनर्स कोर्सेज के मुकाबले, इसलिए ऐसा करा गया है। और जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं, जितने भी, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, वो किसी भी टाइम कभी भी जा सकते हैं। मतलब किसी भी टाइम नहीं, ऐसा नहीं है, सेम जो आपका टाइम है सुबह का 9:30-10 बजे, आप उसी टाइम जाना, ठीक है। मतलब ऑनर्स कोर्सेज वाले डेली जा सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसे नहीं है कि आपको लिमिट रख रखी है 10,000-12,000 रोल नंबर, वो जा सकते हैं, ठीक है। अब लेके क्या जाना है, बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे, तो लेके क्या जाना, आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, मतलब कि जो आपका रोल नंबर कार्ड होता है जो आपको फर्स्ट ईयर में मिला था, आप वो सेम आपका तीनों साल, मतलब तीनों ईयर में चलता है, आपको वो लेके जाना है। और देन फी रिसिप्ट लेके जानी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको क्या करना है, उसकी जगह पे आपको अपना फ़ोन में स्क्रीनशॉट होगा तो आप वो भी दिखा सकते हो, उसकी वजह से क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और किसी को जाना कंपलसरी है नहीं है तो ये बता दूँ, ये जाना कंपलसरी नहीं है, कोई अटेंडेंस कोई मार्क्स वगैरह इसके नहीं लगते ना कटते, ठीक है। जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वरना नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, कोई बात नहीं, घर पे जाके स्टडी कर सकते हो। अगर कोई किसी का डाउट फिर भी रह गया तो नीचे कमेंट में बता देना, हमारी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। नीचे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम लिंक, जितने भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।